वो अचानक बारिश शुरू हो गई। अब तो खैर रुक गई है, इसलिए थोड़ा सा भीग गया मैं। हाय के मौसम का पता ही नहीं चलता है, खुद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, खुद ही रुक जाती है। वाह, ये घर है या म्यूजियम? हाँ, वो मैंने सामान ऊपर पहुंचा दिया है। हाँ, मैं ऑमलेट खाता हूँ बगैर प्याज के। एक्सक्यूज मी, मेरा नाश्ता? नॉट आफ्टर 10। हाँ नहीं, लेकिन मैंने तो आपसे ये रूम बेड एंड ब्रेकफास्ट पे किराए पे लिया है ना, तो नाश्ता तो मुझे मिलना चाहिए, बल्कि नाश्ता मुझे मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन वक्त पर। क्रेजी मैन, मतलब मैंने अभी सामान शिफ्ट किया है, रात भर मैं सोने की जगह ढूंढता रहा हूँ, अब मुझे एक ऑमलेट नहीं मिल सकता? मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया है। That is not my problem. कितने मजे का है।
चलो थोड़ा सा तो खा लो, तुमने सुबह से नाश्ता नहीं किया। अच्छा बाबा आप मूड ठीक कर लो यार, ऐसी भी क्या बात है? ऐसी भी क्या बात है? मैंने वो घर इसलिए किराए पे लिया है कि कम से कम मैं रात में सुकून से सो जाऊं, सुबह नाश्ता करके निकल जाऊं। पैसे दे रहा हूँ यार, फ्री में थोड़ी रह रहा हूँ मैं। लिसन, जितना रेंट वो तुम्हें दे रही है ना घर, वो तकरीबन मुफ्त ही है। आई मीन नो डिपॉजिट नो एडवांस, तुम्हें अपनी जेब को भी तो देखना है ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन जो तय हुआ कम से कम वो तो मिले मुझे। तो उन्होंने कब कहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा? तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जरा सा डिसिप्लिन, रात में घर जाता हूँ ना, कपड़ों के अलावा सब कुछ बाहर निकाल के रखना पड़ता है मुझे। सिगरेट तक तो पीने की इजाजत नहीं है घर में, घर है या जेल? वैसे जेल में भी सिगरेट नहीं पीने देते। वेरी फनी। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम थोड़ा सा ओवररिएक्ट कर रहे हो? नई जगह है एंड वांट टू गेट टू नो अमांडा, यार इतनी बुरी भी नहीं है, तुमसे बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, हिटलर की खुशी ज्यादा लगती है मुझे तो, और तुम्हारी कोई बात ही नहीं है उससे। तुम जैसे मर्दों के साथ डील करने के लिए ऐसा ही एटीट्यूड रखना पड़ता है एक अकेली औरत को। नॉर अगेन, फिर वही जेंडर वॉर, वही पुरानी फ्यूनिस्ट सोच। हाँ जनाब, ऐसी ही सोच रखनी पड़ती है तुम जैसे मुस्कीदा रखने के लिए। और तुम मजलूम औरतों का मर्दों के बगैर गुजारा कब होता है? तुम क्या कम थी? वो हिटलर आ गई दम दम करती हुई। अंदर आ जाओ। अमांडा, वो कल रात की गुम हो गई थी मुझसे, मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं है। तुमने चाबी गुमा दी? तुम्हारे रेंट में ऐड होगी। और तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। बहुत दिनों से तो नहीं जानती मैं मम्मी को, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। हाँ ये है बिल्कुल बात। ये थैंक यू सो मच, योर लाइफ सेवर। यू वेलकम। नेक्स्ट वीक इज ओके फॉर मी टू रिटर्न विद? लुक एट हिम, कितनी सिगरेट पीता है ये। सोचती हूँ तुम्हारी जैसी लड़की का गुजारा कैसे होगा इसके साथ। इतने भी नहीं पीता, कम ऑन। मैं अपने कमरे में होती हूँ ना, वहां तक धुआं आ रहा होता है।
I hope he really loves you. He cares for me, Amanda. सिगरेट तो नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए. क्यों नहीं छोड़ सकता? No, never, कभी नहीं. छोड़ेगा सिगरेट? शर्त लगी? 2 हफ्ते में नोमी मेरे लिए सिगरेट छोड़ेगा, देखना. थैंक्स. See ya. बचपन से जानती हूँ मैं अमेंडा को. थक गई है बेचारी मुझे पियानो सिखा सिखा कर. अच्छा, लेकिन तुम तो मुझे बचपन से बड़ी बेसुरी लगती हो. कल तुम्हारी अमेंडा मैडम कौन सी शुरू में डूबी हुई है, अभी मुझे वो पक्का राग किस्म की औरत लगती है. बेचारी, पता है जब से मैं उनको जानती हूँ ना, वो हमेशा से अकेली रही है. ना तो उनकी तनाई दूर करने का हौसला नहीं होगा ना किसी में. एक्चुअली एक था रॉबर्ट, वो बेचारा तो उनको बस देख देख कर जीता था. मर गया ना, उनके इसकी ताव भी नहीं ला सका होगा वो. दोनों बहुत खुश थे, तुम्हें पता है वो शादी करने वाले थे. इसी सदमे से मर गया होगा, ट्रस्ट मी. वो मरा नहीं, मारा गया, कत्ल कर दिया किसी ने उनका. वैसे तुम्हारी अमेंडा मैडम ने तो उन्हें. ओ, तुम किसी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते? वो बड़ा साहेब जायदाद आदमी था, पता है किसी ने जहर दे दिया उनको. और अगर तुमने नेक्स्ट ईयर प्रमोशन नहीं ली तो मैं तुम्हें भी जहर दे दूंगी. मुझे जहर देके क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, ये लो. और अगर होता भी तो तुम रॉबर्ट की तरह इतने जेनरस थोड़ी हो कि शादी से पहले ही पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो. जनरल डार्लिंग, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ. और रॉबर्ट की तरह तुम्हारा प्यार सच्चा भी नहीं. मेरे प्यार कुछ मत कहना. कहूंगी, झूठी है तुम्हारी मोहब्बत, बिल्कुल झूठी. अच्छा, आजमाई शर्त है. अच्छा ठीक है, जैसे जाओ आजमा लो. तो फिर सिगरेट छोड़ दो. सिगरेट? इस वक्त तुम बिल्कुल बीजों की तरह गुफ्तगु कर रही हो. सिगरेट छोड़ दो बस. नोमी, अब मैं सिर्फ तुमसे तब मिलूंगी जब तुम सिगरेट छोड़ चुके होगे. क्या? अरे मेरी बात तो सुनो.
अमेंडा आपकी तबीयत कैसी है अब? वीक मोमेंट्स हर एक की जिंदगी में आते हैं, कुछ जरूरी उन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाए। नहीं, मैं तो वैसे ही आपसे, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, समझदार। मैं वैसे ही पूछना चाह रहा था कि क्यों, कोई और नहीं है तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम पूछो? आपसे भी तो पूछने वाला कोई नहीं है। I'm talking to you. क्या बकवास, अभी सिगरेट हम दोनों के बीच कहां से आ गए? हम लोग क्या इतने शैलो लोग हैं कि इतनी सी बात के ऊपर अपनी मोहब्बत को जज करें? तुम ना सही, मगर मैं इतनी ही शैलो हूं। Come on यार, तुम क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं परेशान कर रही हूं तुम्हें? क्या तुम एक छोटी सी चीज का इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो? तुम्हें एक छोटी सी चीज में इतनी बड़ी डिमांड लगती है तो आगे जाके क्या होगा? सुनिए, ठीक है, मैं तुम्हारी ऐसी कोई बकवास
और शरो डिमांड्स बाकी पूरी नहीं कर सकता हूँ जिसकी बुनियाद पर तुम मेरी मोहब्बत मेरे खुलूस को नापती हो। अच्छा किया तुमने आजमा लिया मुझे, तुम्हारे काबिल नहीं हुआ। I have to go. मुझे याद आ गया मुझे लाइब्रेरी जाना होगा. ओके आई विल सी यू लेटर. तीन दिन से रोज चक्कर लगा रहा हूं, मैसेजेस छोड़ रहा हूं, तुम मेरा इंतजार किए बगैर चली जाती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम असल बात क्यों नहीं बताती हो? क्या असल बात? एक ऑर्डिनरी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने कि सिगरेट छोड़ दो। सोनिया तुम क्यों जिद लेके बैठ गई हो यार? मुझे उन सिगरेटों की क्या परवाह होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत को तो ना तोड़ो उसमें। लोग जहर भी ले लेते हैं मोहब्बत में। हाँ लाओ जहर दे दो मुझे, उससे बेहतर है कि तुम मेरी रोजाना ईगो हर्ट करती हो। लिसन, ये मर्दों वाली टैक्टिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। तुम शोर मचा के मुझे दबा नहीं सकते।
यू आउट ऑफ योर माइंड? मतलब अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, अगर मैं सिगरेट छोड़ दूँ तो मेरी मोहब्बत सच्ची होगी? एक मामूली सी रिक्वेस्ट को तो एक्नॉलेज नहीं कर सकते, आगे जाके क्या करोगे? इंसान अपनी डिमांड रन करता है, एक ट्रस्ट लेवल होता है मैडम। यू नो व्हाट, यू आर राइट, हमारी रिलेशनशिप में ट्रस्ट है ही नहीं। आई थिंक हम दोनों को इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सोचो, सौ बार सोचो, जिंदगी भर सोचती रहो मेरी भला से। शरारत है, पी है तुमने? पी है, शराब भी पीऊंगा, सिगरेट भी पीऊंगा, ड्रग्स भी लूंगा, हर वो काम करूंगा जो मना करती है। सोच लो, तुम उसकी बात ना मानी तो छोड़ देगी तुम? वो क्या छोड़ेगी, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया मैंने, सिगरेट भी छोड़ दी और उसे भी छोड़ दिया। छोड़ा तो मेरे लिए रॉबर्ट ने सब कुछ था, दुनिया भी। आप में कोई ऐसी बात होगी इसलिए छोड़ा होगा, बहुत इनसिक्योर है, हर वक्त हर लम्हा इनसिक्योर रहती है, छिछोरी छिछोरी है। आदमी जब कोई भी डिमांड पूरी करता है तो सिक्योरिटी उसे भी चाहिए होती है। आज कह रही है सिगरेट छोड़ दो, कहेगी घर वालों को छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, छोकरी छोड़ दो। एक दिन कहेगी रॉबर्ट की तरह ये दुनिया छोड़ दो, लेकिन खुद आप सौदेबाजी से बात नहीं आएगी। सब छोड़ दिया मैंने, कुछ छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया, सिगरेट भी छोड़ दी। Come on, let's start this party time. Come on. सिगरेट छोड़ दोगे? सब कुछ छोड़ दो। और पीना? छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हें कुछ छोटो है।
सुनो, कोई मिलने आया था मुझसे? नहीं मैडम। कोई पैगाम वगैरह आया मेरे लिए? नहीं मैडम। वो नोमी साहब आते थे ना बाइक पे मुझे पिक करने के लिए, वो भी नहीं नजर आए? नहीं आए। घर अब तो मैं तुम कहीं नहीं आए। मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? जरूरत नहीं थी। पता है सोनिया, मुझे एक बात का अंदाजा हुआ है, दुनिया में बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं होती है, हम खामखा उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। जैसे ये रिश्ते, डिग्री, नौकरी, सिगरेट, जैसे तुम। इसीलिए मैंने ये सब छोड़ दिया है। इनफैक्ट इन सबको छोड़ के मैंने खुद को सिक्योर कर लिया है। मैंने और अमांडा ने परसों रात शादी कर ली है। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ दूं, इसी तरह अमांडा चाहती थी मैं उसके लिए तुम्हें छोड़ दूं। मैंने सोचा जब मोहब्बत में सौदेबाजी ही शर्त है तो क्यों ना अमांडा जैसी अमीर और साहिब जायदाद औरत से शादी कर ली जाए और खुद को सिक्योर कर लिया जाए। तो बस शादी कर ली मैं। सुनो, तुम्हारी ये वाली जैकेट रखो। हाँ रख लो, वहां बहुत सर्दी होगी। तुम्हें भी ना क्या जरूरत है ये ट्रिप बनाने की? सर्दी कोई आया था? मुझे लगा तुम किसी से बात कर रहे। अपनी सिगरेट से बातें कर रहा था। कितनी गिरी